नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 जुलाई दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार विधान परिषद में 172 पदों पर भर्ती। राज्य के 106 अस्पतालों की गुणवत्ता इन 12 पहलुओं पर जांची जाएगी। गया में पितृपक्ष मेला, महासंगम की तैयारी शुरू। राज्य में बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत दिए जा रहे इतने अनुदान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधान परिषद में 172 पदों पर भर्ती। बिहार में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए नई भर्ती का अपडेट बिहार विधान परिषद सचिवालय ने रिपोर्टर असिस्टेंट, असिस्टेंट लेजिस्लेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड और ऑफिस अटेंडेंट के लिए कुल 172 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। सचिवालय द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया मंगलवार 25 जुलाई 2023 यानी कि आज से शुरू हो रही है, जिसकी आखिरी तारीख 21 अगस्त तक निर्धारित की गई है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट biharvidhanparishad.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए विभिन्न शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। ऐसे में उम्मीदवार जरूरी शैक्षणिक योग्यता व भर्ती के अन्य विवरणों के लिए जारी किए गए अधिसूचना को जरूर देखें। राज्य में ओपीडी की सेवा अब दोपहर के बाद भी उपलब्ध। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों एवं सदर अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली ओपीडी की सुविधा अब दोपहर बाद भी उपलब्ध है। लेकिन मरीजों को यह सुविधा केवल ग्रीष्मकालीन समयावधि यानी कि मार्च से अक्टूबर तक मिलेगी। बता दें इस दौरान सुबह में ओपीडी निबंधन का समय पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक और सायंकालीन में अपराह्न 3:30 बजे से 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं सुबह में ओपीडी का समय पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 2 बजे तक और सायंकालीन में अपराह्न 4 बजे से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही रविवार एवं सरकारी छुट्टी के दिन सेवा बंद रहेगी। इसको लेकर कोई भी सुझाव या शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे पूजा मिश्रा के बारे में। पूजा मिश्रा एक भारतीय मॉडल और वीडियो जॉकी हैं। उन्हें 2011 में कलर्स के रियलिटी शो बिग बॉस 5 में भाग लेने के लिए जाना जाता है। बिग स्विच, वेलकम, बाजी, मेहमान नवाजी की और डांस की टक्कर 3 शो जैसे का भी हिस्सा रह चुकी हैं। इसके अलावा पूजा ने बॉलीवुड फिल्म मेरा दिल लेके देखो मैं एक आइटम नंबर में अभिनय किया था। पूजा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गृहनगर से की और बॉलीवुड में अभिनय का सपना पूरा करने के लिए मुंबई चली गई। पूजा ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की और बी टाउन के शीर्ष डिजाइनर के साथ काम किया। उन्होंने 2003 में टिप्स इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन दिल का रिश्ता के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया, जहां उन्होंने साजन साजन गाने में परफॉर्म किया। वह कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस 5 के 5वें सीजन से मशहूर हुई, लेकिन दुर्भाग्य से 8वें हफ्ते में ही बाहर हो गई। 2016 में उन्होंने पूजा मिश्रा प्रोडक्शन हाउस नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस स्थापित किया और एक टीवी शो अभी तो पार्टी शुरू हुई है बनाया। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत कई म्यूजिक वीडियो का निर्माण किया है। उन्होंने अपनी ग्लैमर लाइफ पर आधारित एक आत्मकथा हॉटर देन यू भी लिखी। राज्य के 106 अस्पतालों की गुणवत्ता इन 12 पहलुओं पर जांची जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा राज्य के 22 जिलों में अवस्थित 106 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड के तहत प्रमाणीकरण करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए इन अस्पतालों की गुणवत्ता की जाँच 12 पहलुओं पर की जाएगी। इसको लेकर समिति की ओर से जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 12 पहलुओं पर जाँच की जाएंगी उनमें जनरल क्लिनिक, मैटरनल हेल्थ, न्यू बॉर्न तथा चाइल्ड हेल्थ, टीकाकरण, परिवार नियोजन, संचारी रोग, गैर संचारी रोग, ड्रेसिंग तथा आपातकालीन सेवा, फार्मेसी, लेबोरेटरी, आउटरीच तथा सामान्य प्रशासन शामिल है। इसके साथ ही निरीक्षण रिकॉर्ड की समीक्षा, मरीज का इंटरव्यू तथा अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ के इंटरव्यू होंगे और उसके आधार पर विभिन्न सेवाओं के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। ऐसे में अगर अस्पताल 70% स्कोर करता है तो इसकी सूचना जिला क्वालिटी असेसमेंट कमेटी को दी जाएगी। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत दिए जा रहे इतने अनुदान।
बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के तहत सहायता व अनुदान दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत उद्योग लगाने पर 15% का पूंजीगत अनुदान अधिकतम 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ ही बिजली बिल में प्रति यूनिट 2 रुपए का अनुदान, हर माह प्रति वर्कर 3 से 5 हजार रुपए तक वेतन मद में प्रोत्साहन राशि, निर्यात होने वाले कार्गो पर माल भाड़े 30% की प्रतिपूर्ति अधिकतम 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष, सालाना प्रति पेटेंट 10 लाख रुपए तक का अनुदान और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभ दिए जाएंगे। बता दें कि इस योजना से पंजीकृत इकाइयों की संख्या 64 है, तो वहीं इसकी परियोजना लागत 322.54 करोड़ रुपए है। डीजल अनुदान में फर्जीवाड़ा होने पर अफसरों से होगी वसूली। कृषि निदेशालय की ओर से आदेश जारी कर यह कहा गया है कि अगर डीजल अनुदान में किसी तरह कोई फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो उसकी वसूली कृषि विभाग के अफसरों से की जाएगी, जिनमें संबंधित कृषि समन्वयक, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके साथ ही निदेशालय की ओर से यह भी आदेश दिया गया है कि किसानों की ओर से खरीदे गए डीजल का उपयोग खेती कार्य में हुआ है या नहीं, इसकी जाँच कृषि समन्वयक द्वारा की जाएगी। संतुष्ट होने पर इससे संबंधित जियो टैग फोटो अपलोड करेंगे। बता दें कि कृषि समन्वयक 8 दिनों में आवेदन या अस्वीकृत कर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को ऑनलाइन ही भेजेंगे। ऐसे में अगर कृषि समन्वयक के द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदनों का सत्यापन नहीं किया जाता है तो आवेदन स्वतः स्वीकृत माना जाएगा और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के पास चला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑनलाइन आवेदनों के सत्यापन के लिए प्रखंड से प्रमंडल स्तर के अधिकारी रैंडम जाँच करेंगे। पाठ पढ़ाने से एक दिन पहले विद्यार्थियों को मिल रही ऑनलाइन सामग्री। राज्य के सभी 44 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के द्वारा कक्षा में शिक्षकों को पढ़ाने से एक दिन पहले उस पाठ की पूरी सामग्री ऑनलाइन विद्यार्थियों को चरणवार तरीके से उपलब्ध करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। बता दें कि सुविधा से विद्यार्थियों की पाठ समझने में आसानी होती है। मालूम हो कि विद्यार्थियों को पाठ की पूरी सामग्री का लिंक ईमेल पर भेजा जाता है, जिसमें लेक्चर का वीडियो, पाठ से संबंधित सामग्री और नोट्स या PDF होते हैं, जिन्हें छात्र अपने लैपटॉप या फोन में खोलकर पढ़ सकते हैं। विभाग के अधीन संचालित स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के पदाधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए जाने वाले पाठ के सामग्री में सेमेस्टर और विषयवार लेक्चर तैयार किए गए हैं। इस पोर्टल पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली असाइनमेंट की भी पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। रतन राजपूत ने एक्टिंग से दूरी बनाने की बताई वजह। बिहार की बेटी और एक्ट्रेस रतन राजपूत पिछले काफी समय से एक्टिंग से दूरी बनाकर रखी हुई है। हालांकि इस दौरान वे डेली ब्लॉग से लोगों तक अपनी पहुंच बनाए रखी है। वहीं अब एक्ट्रेस वापसी के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इन सबसे पहले एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने लोगों के साथ यह साझा किया है कि वह पिछले काफी समय से एक्टिंग से दूर क्यों थी। उन्होंने बताया कि उन्हें एक ऑटो इम्यून बीमारी थी, जिसका असर उनकी आंखों पर पड़ा था, लेकिन अब वो काफी हद तक रिकवर हो चुकी है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी बीमारी लाइलाज है और वह कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी। उन्होंने अपनी इस बीमारी के बारे में सभी से इसलिए छुपा कर रखा क्योंकि बातें फैलने में वक्त नहीं लगती। उन्होंने कहा कि अगर वह सबके सामने कहती कि अब वह एक्टिंग छोड़ रही हैं, तो ये बात सबके बीच फैल जाती कि अब रतन राजपूत एक्टिंग करेंगे ही नहीं, लेकिन अगले साल से वो एक्टिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे इब्राहिम बाया मकबरा के बारे में। संत के रूप में पूजनीय मालिक बाया की कब्र की सुनियोजित सादगी उनके परोपकार और अध्यात्म की गवाही के रूप में खड़ी है। पीर पहाड़ी पहाड़ियों के ऊपर स्थित इब्राहिम मल्लिक बाया का मकबरा लगभग 600 साल पहले बनाया गया था। इब्राहिम मल्लिक 1339 ईस्वी के आसपास भारत आए और दिल्ली सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधीन एक जनरल के रूप में कार्य किया और कई लड़ाइयाँ जीती। उनके कई सफल अभियानों के लिए उन्हें सुल्तान के दरबार से बाफिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वह अपने आध्यात्मिक कार्यकाल के लिए भी जाने जाते थे। उनके समाधि के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता एवं तरह तरह के पंछियों की चहचहाट वातावरण को मंत्रमुग्ध बनाते हैं। अच्छी सड़कें होने से आप सीधे अपने निजी वाहन द्वारा पहाड़ी की चोटी पर पहुंच सकते हैं। उर्स एवं ईद के मौके पर यहाँ काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग प्रवेशकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। बिहार के सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग प्रवेशकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि में विस्तार किया गया है और अब आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में छात्र आवेदन करने के लिए PMS पोर्टल की वेबसाइट http://pms
www.pjmisonline.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि योजना को पाने के लिए कुछ योग्यता निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, पिछड़ा एवं अत्यंत वर्ग से संबंध रखता हो, स्वयं की आय सहित माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदक राज्य के अंदर अवस्थित सरकारी संस्थानों, मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना चाहिए। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 6 जिलों में 8 प्लांट को लेकर जारी किया टेंडर। राज्य के कई जिलों से बायोमेडिकल कचरा बड़े पैमाने पर निकल रहा है। ऐसे में बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बायोमेडिकल कचरा अधिक से अधिक कलेक्शन हो और 48,000 किलो कचरा की निस्तारण प्रक्रिया 24 घंटे के अंदर में पूरी हो, इसके लिए राज्य के 6 जिलों में 8 प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें बिहार की राजधानी पटना समेत भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्णिया और मधुबनी जिला शामिल है। मालूम हो कि इन जिलों में सितंबर महीने तक प्लांट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बारे में बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सचिव एस चंद्रशेखर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बायोमेडिकल कचरा का निस्तारण और कलेक्शन करने के लिए पटना सहित राज्य के 8 जिलों में प्लांट की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे कि क्षमता दोगुनी से अधिक हो जाएगी। मालूम हो कि वर्तमान में पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में अभी 1-1 प्लांट चालू है। सीतामढ़ी के राम जानकी मठ में अष्ट धातु मूर्ति हुई चोरी। बिहार के सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव स्थित राम जानकी मठ से चोरों के द्वारा अष्ट धातु की मूर्ति चोरी कर ली गई। बता दें कि इस चोरी हुई मूर्ति की कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। मालूम हो कि जब इस चोरी की घटना बीते दिन सुबह लोगों को मिली थी, इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष राम इकबाल प्रसाद पुलिस वालों के साथ मिलकर इस मामले की छानबीन में जुट गए हैं। इस चोरी की घटना पर थानाध्यक्ष राम इकबाल प्रसाद के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि राम जानकी मंदिर में भगवान की मूर्ति चोरी घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा। इसके लिए पुलिस की ओर से छानबीन शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि चोरों की गिरफ्तारी के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। एन विजय लक्ष्मी ने ए हेल्प ट्रेनिंग का किया शुभारंभ। पशुपालकों को सुदृढ़ बनाने की कवायद। बीते दिन पटना के बामेती में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी के द्वारा ए हेल्प ट्रेनिंग के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची, जहां उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि ए हेल्प के शुभारंभ से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को काफी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कृषि के साथ साथ पशुपालकों को भी सुदृढ़ बनाने की योजनाएं चला रही है। इसके तहत पशुपालकों को अपने पशुओं की देखरेख से लेकर सभी तरह की सुविधाओं को जानने की आवश्यकता होती है। इससे पशुपालकों के जीवन यापन में आर्थिक सुदृढ़ता आ जाएगी। उन्होंने कहा कि ए हेल्प की भूमिका राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम एवं राज्य योजना में SMDC एवं BQ बुल्ले शाह PPR उन्मूलन क्लासिक लाइन पर नियंत्रण टीकाकरण अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। राज्य में बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं। बिहार में मॉनसून अब पूरी तरह से कमजोर हो गई है। प्रदेश में बारिश की जगह पर तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को यह लग ही नहीं रहा कि यह सावन का महीना है। प्रदेश का अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में आसमान में कहीं धूप तो कहीं छांव जैसे हालात भले ही उत्पन्न हो रहे हों, लेकिन किसानों को इससे राहत नहीं मिल रही। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अगले 24 घंटे में लोगों को गर्मी से काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि पिछले दिनों प्रदेश में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिली है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि अगले 3 दिनों तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना न के बराबर है, जबकि 28 जुलाई को प्रदेश के उत्तर के जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। के पाठक ने 2 प्रमंडल के RDDE को दिया बड़ा टास्क। इन दिनों शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा जी तोड़ कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के तहत के पाठक के द्वारा 2 प्रमंडल के RDDE को एक बड़ा टास्क दिया गया है और कहा गया है कि इस टास्क को पूरा कर हर दिन इससे संबंधित रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। बता दें कि के पाठक के द्वारा 2 शिक्षा उपनिदेशकों को दिए गए टास्क को लेकर निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी के द्वारा इस संबंध में मंडल के RDDE पूनम कुमारी और पूर्णिया के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक चंद्रशेखर प्रसाद शर्मा को पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें प्रतिदिन 20 विद्यालयों का निरीक्षण करना है और 50 प्रधानाध्यापकों के साथ BC के माध्यम से विद्यालयों की निगरानी एवं अनुश्रवण करना है और फिर इसकी रिपोर्ट तैयार कर संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराना है। शराब की खेप बरामद, 2 तस्कर भी हुआ गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा जी तोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिल पा रहा।
बता दें कि ताजा मामला बिहार के गोपालगंज जिले के विश्वनभरपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव के समीप का है, जहां विश्वनभरपुर थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार साह के नेतृत्व में वहां जांच के दौरान पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश की ओर से आ रहे एक बाइक पर सवार दो तस्करों को 3 कार्टन शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान जितेंद्र साह और सिकंदरा कुमार के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस के द्वारा तस्करों को हिरासत में लेकर उन पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गया में पितृपक्ष मेला महासंगम की तैयारी शुरू। 28 सितंबर से शुरू होने वाले पितृपक्ष मेले को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस दौरान तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने के लिए रबर डैम, शहर के घाट, सड़कें, मंदिरों आदि की साफ सफाई की जाने लगी है। इसके साथ ही सौंदर्यकरण का भी कार्य किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पितृपक्ष में हर वर्ष 10 से 15 लाख तक तीर्थयात्री आते हैं। मालूम हो कि इस वर्ष 17 दिवसीय पितृपक्ष मेले की शुरुआत 28 सितंबर से हो रही है, जो कि 15 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान अलग अलग तिथियों को अलग अलग वेदी स्थलों पर पिंडदान, श्राद्ध कर्म व तर्पण का विधान है। वायु पुराण सहित कई अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों में अधिमास में पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। अमृत युवा कलोत्सव में राजधानी में जुटेंगे 10 राज्यों के कलाकार। आज से 27 जुलाई तक केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी दिल्ली देश की आज़ादी के 75वें वर्ष पर पटना में प्रेमचंद रंगशाला में कला संस्कृति युवा विभाग बिहार पटना नगर निगम तथा बाल भवन किलकारी के सहयोग से 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिहार समेत देश भर के 10 राज्यों के युवा कलाकारों का जमावड़ा होने वाला है। इसमें पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल है। बता दें कि इस दौरान कलाकारों के द्वारा नृत्य, नाटक, संगीत, जनजातीय कला और पुतुल कला का प्रदर्शन किया जाएगा। मालूम हो कि संगीत नाटक अकादमी की ओर से पटना में आयोजित कलोत्सव 19वां होगा। इससे पहले यह कलोत्सव चेन्नई, इम्फाल, भोपाल, जम्मू, लखनऊ, मुंबई, उडुपी, दिल्ली, वाराणसी, कलाडी, सिलोंग, गंगटोक, अगरतला, रायपुर, पुदुचेरी, बोकारो, चंडीगढ़ और श्रीनगर में आयोजित किया जा चुका है। आज से शुरू होगी मुकेश सहनी की संकल्प यात्रा। 25 जुलाई यानी कि आज से विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस पर 100 दिनों के लिए 3 राज्यों की यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसमें बिहार समेत उत्तर प्रदेश और झारखंड शामिल हैं। मालूम हो कि इन 100 दिनों में मुकेश सहनी 3 राज्यों के 80 जिलों में पहुंचेंगे। बता दें कि इस यात्रा का नाम निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा दिया गया है। इस यात्रा के दौरान लोगों को निषाद आरक्षण का संकल्प दिलाया जाएगा। यात्रा आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ गाँव गाँव घर घर तक पहुँचेगी। मुकेश सहनी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस यात्रा की शुरुआत बिहार की राजधानी पटना से होगी और 4 नवंबर को संपन्न होगी। मालूम हो कि यह सभी बात उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कही थी। बीजेपी के हस्ताक्षर अभियान के दौरान सम्राट चौधरी का बयान। बीते 13 जुलाई को बीजेपी के द्वारा किए गए बिहार विधानसभा मार्च के दौरान पटना पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज की गई थी, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता घायल हो गए थे और साथ ही एक नेता की मौत भी हो गई थी। वहीं इस घटना को लेकर बीते दिन से बीजेपी के द्वारा 9 अगस्त तक राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा गया कि महागठबंधन की अंधी, बहरी, गूंगी, निकम्मी, निठल्ली, युवा, दलित, महिला विरोधी सरकार के खिलाफ आज से राज्यव्यापी हस्ताक्षर महाअभियान की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को 24 जुलाई से 9 अगस्त तक प्रदर्शनी से लेकर हर शहर, शहर, गांव और कस्बे में चलाया जाएगा। कलम की ताकत महागठबंधन सरकार की लाठी गोली पर भारी पड़ेगी। इस सरकार को जनता के सवाल का जवाब देना होगा। हम हस्ताक्षर अभियान और प्रदर्शनी अभियान को मंडल स्तर तक लेकर जाएंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। कलकत्ता अब कोलकाता में पहली नौका दौड़ का आयोजन 1813 में हुआ। ज्ञानी चैल सिंह ने 25 जुलाई 1977 में भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। रंगा स्वामी वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 में भारत के 8वें राष्ट्रपति बने। एसडी शर्मा 25 जुलाई 1992 में भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। केआर नारायणन 1997 में भारत के 10वें राष्ट्रपति बने। प्रतिभा पाटिल ने 2007 में भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। भारतीय संगीतकार सुधीर फड़के का जन्म 1919 में हुआ। विद्वान शोधकर्मी समीक्षक परशुराम चतुर्वेदी का जन्म 1894 को हुआ था। हिंदी चलचित्र अभिनेत्री और गायिका राकेश्वरी का जन्म 1905 में हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का जन्म 1929 को हुआ था। भारत की प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हरसिमरत कौर बादल का जन्म 1966 को हुआ था। सार्वजनिक कार्यकर्ता गणेश वासुदेव जोशी का निधन 25 जुलाई 1880 को हुआ था। उड़ीसा के प्रसिद्ध समाज सुधारक, साहित्यकार और
सार्वजनिक कार्यकर्ता गोदावरी मिश्र का निधन 1956 को हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बी.आर. इशारा का निधन 2012 को हुआ था। वायरल में आज हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट नेशनल गवर्नमेंट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट नेशनल गवर्नमेंट के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इंडिया पोस्ट नेशनल गवर्नमेंट के तहत 6000 रुपए की सब्सिडी जीतने का मौका। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि आकर्षक लगता है ना, हालांकि आप ठगे जाने वाले हैं, यह लकी ड्रॉ नकली है। ट्विटर हैंडल का बदला लोगो, दिखा एक्स। ट्विटर को अब एक्स के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही ट्विटर के ऑफिशियल हैंडल पर लोगो बदल दिया गया है, साथ ही नाम भी एक्स कर दिया गया है। ट्विटर सीईओ के द्वारा ट्वीट करके एक्स नाम की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि लाइक कैमरा एक्स। इसके साथ ही उन्होंने एक इमारत पर एक्स लोगो की लाइटिंग को मेंशन किया है। इसके साथ ही ट्विटर में कई नए बदलाव होने वाले हैं, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। एक्स प्लेटफॉर्म को लेकर मस्क की बड़ी तैयारी है और इस पर कई और सर्विस भी दस्तक देंगे। बताते चले कि इस साल अप्रैल में ही ट्विटर ने अपने पार्टनर से ऑफिशियल डील के लिए एक्स कॉर्प का नाम इस्तेमाल किया था। बता चले कि एलन मस्क की एक स्पेस एक्स नाम की कंपनी भी है। सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश को लिखा पत्र। किसानों को लेकर अपनी चिंता प्रकट करते हुए बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सह आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि बिहार में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए सरकार की ओर से जल्द से जल्द सिंचाई की व्यवस्था की जाए। जहाँ भी कृषि फीडर है, वहाँ किसानों को निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाई जाए। सरकार की ओर से डीजल अनुदान की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन लोगों को आसानी से डीजल अनुदान मिल सके, इसकी सरकार को तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि बिहार को कहीं न कहीं ज्यादा से ज्यादा मदद की जरूरत है। खासकर बिहार में जो मौसम के हालात है, उसे देखकर किसानों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री को इन मामलों में संज्ञान लेने की जरूरत है। जेडीयू के कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। बीते दिन सोमवार को बिहार की राजधानी पटना में सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए, जिसमें मालती कुशवाहा, सुनील कुमार सिन्हा, संजय सिन्हा, चंद्रभूषण यादव, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के आनंद शंकर सहित कई नेताओं के नाम शामिल है, जो अन्य दलों से ताल्लुक रखते हैं। बता दें कि बीते दिन इन सभी नेताओं को सम्राट चौधरी के द्वारा बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ट्विटर से संदेश दिया गया कि सभी को भाजपा परिवार में स्वागत अभिनंदन है। बिहार के बदलाव में आप सभी निश्चित ही एक मजबूत साथी बनेंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जुलाई, ऑप्शन बी 21 जुलाई, ऑप्शन सी 22 जुलाई, ऑप्शन डी 23 जुलाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 23 जुलाई। अगला सवाल, हाल में ही कौन सी एयरलाइन कंपनी को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा फिर से संचालन शुरू करने की अनुमति दी गई है? ऑप्शन ए गो फर्स्ट, ऑप्शन बी एयर इंडिया, ऑप्शन सी इंडिगो, ऑप्शन डी इंडियन एयरलाइंस। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गो फर्स्ट है। अगला सवाल, इस बार वायुसेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बरेली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रयागराज। अगला सवाल, किस राजवंश ने नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मौर्य वंश। अगला सवाल, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? ऑप्शन ए सरन सिन्हा, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी रामानंद मिश्र, ऑप्शन डी सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद जुबेर आलम, उमेश ऋषिदेव, राम नवी मांझी, रंजीत मिश्रा, पंकज कुमार दास, मनीष कुमार, मुटू रंगीला, नुनू गोलू कुमार, सुशांत सिंह, राम नरेश कुमार, नम्रता कुमारी, अतीक खान, राजेश राज, मोहम्मद सकीर हुसैन, अमरजीत यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुए टेस्ट सीरीज में आपको किस भारतीय खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।